थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपने हमसे अनकंडीशनल प्रेम किया और अनकंडीशनल प्रेम के कारण आपने पुत्र को बलिदान किया है। इस बलिदान की आपने कोई कंडीशन नहीं रखी, लेकिन प्रभु आपने कंडीशन जीवन के लिए रखी है कि जो कोई जीवन पाना चाहता है और अनंत जीवन का वारिस बनना चाहता है, वो इस बलिदान को ग्रहण करे, इस पर विश्वास करे, ताकि प्रभु उसके जीवन पर आपके अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा की मोहर लगे और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन व्यतीत करने के द्वारा वो उद्धार पाए और अनंत जीवन का वारिस बनने पाए। आपकी योजनाओं के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसे आप स्वयं हमारे जीवन में लागू भी करते हैं और पूरा भी करते हैं। चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य हम सबके जीवन में प्रकट होकर कार्य करें और आपकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट होकर आपकी महिमा का कार्य करें। सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य था और है और आगे भी रहेगा। केवल वही योग्य है। हम मनुष्य हैं, कोई मनुष्य परमेश्वर का सेवक जरूर हो सकता है लेकिन वो योग्य नहीं है। हमारी योग्यता, पौलुस ने इसीलिए कहा, हमारी योग्यता तो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर हमें योग्य करता है। मालूम कैसे? पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में काम करता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है और हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा होता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा होता है। और हमको इस बात पे, इस बात की सारी महिमा, इस बात की सारी सारा श्रेय उस महान परमेश्वर को देना चाहिए जिसकी योजना के द्वारा ये कार्य हमारे जीवन में शुरू होता है, जिसकी योजना के द्वारा ये कार्य हमारे जीवन में पूर्ण होता है, ताकि हम सब का जीवन उसी की महिमा का कारण बने। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 55 है और आज हम उसी संदर्भ में, जैसे हम देख रहे हैं फॉल्स टीचिंग की शुरुआत और उसका आधार क्या है, बजाय हम फॉल्स टीचिंग पर फोकस करें और उस पर चर्चा करें, उससे अच्छा है कि हम सत्य की खोज करें और परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हम पढ़ें, समझें और वचन में देखें कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से सच्चाई प्रकट करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन वो एविडेंस है, वो प्रूफ है, वो इस बात का प्रूफ है कि परमेश्वर मनुष्य के पाप के विषय में और उसके उद्धार के विषय में और परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में, उसके बलिदान के विषय में, परमेश्वर के प्रेम के विषय में, परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में, परमेश्वर का वचन क्या कहता है और सच्चाई क्या है। हम सच्चाई की खोज कर रहे हैं, इसलिए हम इस विषय के द्वारा सत्य को खोजेंगे। आज है अडल्ट्रेशन इन द वर्ड ऑफ गॉड। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, परमेश्वर के वचन में मिलावट, बाय मैन, लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। कैसे? टू एड द विल, थॉट एंड इमोशन। कोई भी मनुष्य परमेश्वर के वचन में जब अपनी इच्छा और अपने विचार और अपनी भावना उसके वचन में, लिखित वचन में, किसी पद में मिलाकर किसी दूसरे को सुनाता है तो वो अडल्ट्रेटेड वर्ड हो जाता है, यानी वो परमेश्वर का वचन मिलावटी हो जाता है। और दूसरी बात, वो एक जब ये काम करता है, वो अपनी इच्छा और अपने विचार और अपनी भावना परमेश्वर के वचन के उस पद में मिलाता है, उसी के साथ साथ वो मालूम है एक काम और करता है कि वो उस पद में से सत्य को निकाल देता है, टेक अवे द ट्रुथ, यानी परमेश्वर के वचन की सच्चाई को उसमें से हटा लेता है।
ये इसलिए बिना पवित्र आत्मा के जब कोई व्यक्ति वचन को पढ़ता है और बिना पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, उससे वो इसी प्रकार के एरर में काम करता है और इस प्रकार का एरर उसके द्वारा फैलता है। इसीलिए पौलुस ने तिमोथियस को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी थी कि उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। किनका वचन? इस तरीके के लोगों का जो परमेश्वर के वचन में मिलावट का काम करते हैं। और मिलावट कैसे होती है? मनुष्य कोई पद पढ़ेगा और फिर उसको अपने विचारों में ले जाएगा और उसका विचार जो मानव विचार है, पवित्र आत्मा रहित विचार है, वो विचार उसमें मिला देगा उस पद में। और उससे क्या होगा कि उसमें यानी उस विचार के मिलने से मनुष्य उस मनुष्य की इच्छा तो उसके विचार के द्वारा उसमें आ गई उस पद में, और उसका उसकी भावना भी उस पद में आ गई। और इसी के साथ साथ जैसे ही ये हुआ उसमें से सत्य हट गया, क्योंकि सत्य की आत्मा उस व्यक्ति में नहीं है जो व्यक्ति उस पद के ऊपर प्रचार कर रहा है या उपदेश दे रहा है। सबसे पहले आज मेरे साथ एक पद निकाल कर पढ़ें जो व्यवस्था की पुस्तक में हम चलेंगे, द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 2 पद पढ़ेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 2 पद। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। यानी परमेश्वर की आज्ञाएं जैसी परमेश्वर ने मनुष्यों को दी थी, वो आज्ञाएं आज एविडेंस के तौर पर परमेश्वर के वचन में लिखित रूप से तो है, एविडेंस तो है। प्रॉब्लम ये है कि लोग बाइबल को अंडरस्टैंड इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बाइबल से वाकिफ नहीं है, इसके इसमें लिखी बातों से वाकिफ नहीं है। और मैक्सिमम लोग केवल सुनकर विश्वास करते हैं, इसलिए आज लोगों का विश्वास अडल्ट्रेटेड फेथ है, वो उसमें एरर आ गई, उसमें त्रुटि आ गई, उनके विश्वास में त्रुटि आ गई। और इसीलिए चूंकि विश्वास त्रुटिपूर्ण विश्वास है, इसलिए लोगों को उद्धार का मार्ग नहीं पता, उद्धार की सामर्थ का अनुभव नहीं है, और वो लोग केवल पद एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, लेकिन इन पदों को कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। इसी के साथ साथ व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 12 अध्याय का 32 पद बोलिए, पढ़ दीजिए जरा सा। इसके बाद हम इन दोनों पदों को इंग्लिश में भी देखेंगे। 12 का 32 जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ। यहाँ पर व्यवस्था के समय भी परमेश्वर ने ये कंडीशन रखी थी, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को लेकर। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना जी, और ना तो उसमें कुछ बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाना जी। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर, अगर तुम्हारे बीच में कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कहे आओ हम पराए देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। तब तुम उस भविष्यवक्ता को या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान मत धरना। आज क्या हो रहा है? आज ऐसे ही लोगों पे लोग कान धर रहे हैं। कोई भी खुद खड़ा, सेल्फ प्रोफेस्ड, खुद से खड़ा हो गया
पर पवित्र आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है जीवन में, पवित्र आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है उनकी बोली में, उनके उपदेश में। क्योंकि पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में कलीसिया को यह बोला था कि वो जब आया तो थरथराता हुआ आया, और उसके प्रचार में परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ का प्रमाण था। आज या तो कलीसिया पथ भ्रष्ट है, लोग पथ भ्रष्ट हो गए हैं जो आत्मा की सामर्थ का प्रमाण देख नहीं पा रहे, उसको डिसर्न नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उनको ऐसा बना दिया है, अपने उपदेश के अनुसार उनके अंदर सब बातें फीड कर दी हैं, प्रोग्रामड कर दिया है कि अब वो उन्हीं की बातों को समझ सकते हैं, उन्हीं की बातों को मानेंगे, परमेश्वर के वचन को खुद खोल के कभी नहीं देखेंगे कि एविडेंस हमारे पास है इसमें क्या लिखा हुआ है, ताकि अगर वो ऐसा कर ले तो भी उनको परमेश्वर का वचन सही मार्गदर्शन कर सकता है। ये एविडेंस बहुत पावरफुल है, ये प्रमाण है, और प्रमाण कभी प्रूफ कभी मिटा नहीं सकता कोई, ये प्रूफ है जी। अब इसको इंग्लिश में इन दोनों बातों को पढ़ें। You shall not add नहीं, ये Deuteronomy chapter 4 verse 2 पे है। हाँ, You shall not add to the word which I command you neither shall you diminish it that you may keep the commandments of the Lord your God which I command you। अब इसके बाद आ जाइए 12 अध्याय में, chapter 12 verse 32। Whatever I command you, be watchful to do it. You shall not add to it, or diminish it. If a prophet arises among you, or a dreamer of dreams, and gives you a sign, or a wonder. And a sign or a wonder. He foretells you. Comes to pass. And if he says. Let us go after other gods. Let us go after other gods. Gods you have not known. And let us serve them. You shall not listen to that words of that prophet or to that dreamer of dreams. अब इसी के साथ साथ देखिए, ये व्यवस्था में लिखा था, when the son of God came upon earth, जब यीशु मसीह आया, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उसने क्या कहा? मेरे साथ इसी के पैरेलल निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय। ये देखिए, लॉ से रिलेटेड बात है, इसलिए यहां पर इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस केम ऑन अर्थ इन द टाइम ऑफ लॉ, वो व्यवस्था के अंतर्गत पैदा हुआ, उसने इस बात को खुद भी बोला था। चैप्टर 23 वर्स 1 हिंदी में फिर इंग्लिश में, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना परंतु उनके से काम मत करना। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। Then Jesus said to the multitudes and to his disciples, the scribes and Pharisees, sit on Moses' seat of authority. So observe and practice. यहाँ पे ये नहीं लिखा कि सुनकर चल देना, जो वो कहे वो मान लेना। Observe and practice, यानी evidence इसमें observe करना था, written word में इसमें observe करना था, और उसे practice करना था जो इसमें लिखा है, वो तुमको बताएं तो इसमें चेक करना, अगर वैसे ही है तो फॉलो करना, नहीं तो नहीं करना। जी आगे। So observe and practice हाँ? all they tell you, but do not do what they do,
डू नॉट डू व्हाट दे डू. क्यों कह रहा है कि वो जो करते वो मत करना, इसका मतलब कि यीशु मसीह वो जो बताते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो करते क्या है, उनके बोलने में और उनके करने में क्या अंतर है, ये यहां पर डिफाइन करना मांग रहा है. जीसस वॉन्ट्स टू फोकस आवर थॉट, हमारे विचारों को वो इस पे केंद्रित कर रहा है कि तुम जिसके द्वारा तुम उपदेश सुन रहे हो, परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, उससे तुम सुन रहे हो तो कहां से सुन रहे हो, फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, रिटन वर्ड ऑफ गॉड, इससे सुन रहे हो. तो इसमें भी ऑब्जर्व करना और उसको भी ऑब्जर्व करना, दोनों को ऑब्जर्व करना, बोलने वाले को भी और लिखित वचन को भी, दोनों को ऑब्जर्व करना, उनके करने के तरीकों, उनकी प्रैक्टिसेस को भी ऑब्जर्व करना, और इसमें लिखे हुए, इसमें जो परमेश्वर के सेवक है उनकी प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करना. अब इसका दूसरा पद पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में. जी शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, जी, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, हाँ, परंतु उनके से काम मत करना, हाँ, क्योंकि वे कहते तो हैं पर वे कहते तो हैं पर करते नहीं, वो खुद नहीं करते, वो कहते हैं झूठ मत बोलो लेकिन खुद नहीं मानते उसको, वो कहते हैं ये मत करो वो खुद नहीं मानते, वो फॉलो नहीं करते हैं लेकिन लोगों से फॉलो करने को कहते हैं. ये अंतर वो दिखा रहा था कि वो जो तुमसे कहें उसे सुनना और मानना लेकिन उनके जैसे काम मत करना. इसका मतलब उनकी कथनी और करनी में अंतर मिलेगा. ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना कि तुम उनकी कथनी और करनी में, उनका चरित्र भी देखना, उनकी लाइफ देखना. जी अब इसको इंग्लिश में पढ़ो सेकंड वर्ड्स. So observe and practice. So observe and practice. All they tell you. All they tell you. But do not do. But do not do. What they do. What they do. For they preach. For they preach. But do not practice. But do not practice. Clear? For they preach. But do not practice. इस तरीके से पढ़ लो मैं. ये क्या हुआ, उन्होंने अपनी इसमें विचार और अपनी इच्छा और अपनी भावना को वचन में मिलाकर लोगों को फीड कर दिया, प्रोग्राम हो गए. अब जो लोग हैं वो डिनोमिनेशनल माइंडसेट के लोग मिलेगा, सबके पास अपने अपने डिनोमिनेशन के थॉट्स हैं. वेयर इज द ट्रुथ, ट्रुथ तो एक ही है ना. जब परमेश्वर एक है, उसका पुत्र एक है, पवित्र आत्मा एक है और परमेश्वर का लिखित वचन भी एक ही है, एक बाइबल जिसको बोलते हैं, तो इतने ढेर सारे डिनोमिनेशन कैसे, the result of false teachings. ये है. अब इसमें हम आगे देखेंगे. मेरे साथ एक पद निकालिए, आपको मिलेगा. थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे. यशायाह नबी की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 20 पद हिंदी में फिर इंग्लिश में. The book of Isaiah chapter 20 verse 8. 20 अध्याय का 8 पद, यशायाह 20:8. आठ का बीस. व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो. यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार ना बोले, तो निश्चय उनके लिए पौ नहीं फटेगी. आपको हिंदी में कुछ नहीं समझ में आया, इंग्लिश में पढ़िए. डायरेक्ट सच पीपल टू द टीचिंग एंड टू द टेस्टिमनी. इफ द टीचिंग्स आर नॉट इन अकॉर्ड विद दिस वर्ड, यानी उनकी जो शिक्षा है अगर वो इसके अनुरूप नहीं है, जो लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है, इट इज श्योरली बिकॉज देयर इज नो डॉन एंड नो मॉर्निंग फॉर देम. सवेरे का जो सूरज उगने से पहले पौ फटती है ना, उनके लिए कभी सुबह नहीं होगी. ये पनिशमेंट है उन लोगों के लिए जो वचन में मिलावट करते हैं, जो इस वचन को अपनी इच्छा और भावना में कन्वर्ट करके लोगों को सुना रहे. मालूम है आपको, परमेश्वर का वचन जो लिविंग वर्ड है, वो लिविंग वर्ड आपको मिलेगा थ्रू अ पर्सन.
और पर्सन से, पर्सन एक जैसे आपके घर में पानी आता है, बोरिंग से भी पानी आ रहा है, कहीं से भी आपके पास जो जल आ रहा है वो जल आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसको आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, एक बर्तन चाहिए, तो टंकी में, ओवरहेड टैंक में उसको कलेक्ट किया जाता है। प्रॉब्लम टैंक से है क्योंकि वहीं से आपको सप्लाई मिलेगी। अगर टैंक गंदा होगा तो सप्लाई का पानी जो शुद्ध पानी है वो उसमें आके गंदा हो जाएगा और कीटाणु भरा हो जाएगा और वो मिलावटी हो जाएगा और वो निकलेगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अब परमेश्वर का जो लिविंग वर्ड है, ये जीवन का जल है, ये जीवन की रोटी है, ये लोगों को प्योर कैसे मिले? बिना पवित्र आत्मा क्या से परिपूर्ण व्यक्ति, बिना पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने वाला व्यक्ति अगर आपको वचन का प्रचार कर रहा है, आपको उपदेश देगा, तो उसके द्वारा आपको जो उपदेश मिलेगा वो मिलावटी होगा। अब आपको ढूंढना क्या है? ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीता हो और पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मुख से परमेश्वर का वचन निकलता हो, वो वचन आपको जीवन देगा और अनंत जीवन देगा। हालेलुया। जैसे फिजिकली हम लोग देखते हैं, आपको शुद्ध शहद चाहिए, आप शहर का चक्कर काटिए, आपको बहुत जल्दी शुद्ध शहद नहीं मिलेगा। दावे सब कर रहे हैं लेकिन है कहीं नहीं। लोगों ने मानक बदल दिए हैं टेस्टिंग में शुद्ध शहद के, सब कंपनियों के अलग अलग मानक है, शुद्ध शहद आपको मिलेगा कहीं नहीं, क्योंकि शुद्ध शहद मनुष्य प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता जो इतनी बड़ी मात्रा में अवेलेबल हो। शुद्ध शहद तो मक्खियां, मधुमक्खी के द्वारा मिलता है, जंगलों में लगाती हैं और वो जहां वो लगाती हैं और जिस तरीके का वो नेचुरल शहद बनता है, जो मधुमक्खी पालन है उसमें भी गुड़ का शीरा चटाते रहते हैं, उनके लिए रख दिया जाता है, उसी से वो खाती है और उससे जो शहद बन रहा है वो भी शहद शुद्ध नहीं है। इस तरीके का प्रोडक्शन शुरू हो गया। आज के जमाने में आप कैसे शुद्ध चीज की कामना कर सकते हैं कि प्योर मिले? परमेश्वर का वचन प्योर किसको मिल सकता है? बहुत दुर्लभ चीज है। और भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में परमेश्वर का शुद्ध वचन मिलना असंभव होगा। हालेलुया। आपको खुद भी देखना चाहिए कि आप किसकी बातों को परमेश्वर का वचन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। पॉइंट ये है, मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता उसकी 119 अध्याय में आइए, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 160 पद पढ़िए, 160 पद, चैप्टर 119, कोई हिंदी में ठीक से पढ़े, इसमें भाषा में गड़बड़ी आ रही है। 160 160 ना। तेरा सारा वचन सत्य ही है, परमेश्वर का सारा वचन सत्य है, और तेरा एक एक धर्म मय नियम सदा काल तक अटल है। उसका नियम कभी बदला ही नहीं। आज लोगों ने इस वचन की वो इसकी शिक्षा में, गलत शिक्षा से वचन बदला और वचन से नियम बदला। जी इसका 11 पद पढ़ दीजिए, 119 अध्याय का 11 पद, 119। यहां दाऊद राजा कह रहा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। पाप से अगर आपको कोई बचा सकता है तो मालूम क्या है? डिफेंसिव है वर्ड ऑफ गॉड, ऑफेंसिव है होली स्पिरिट, डिफेंसिव वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन, ये रक्षक है, ये आपके जीवन की रक्षा करेगा और यही आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये शील्ड है। इसको इंग्लिश में पढ़ दो ये दोनों वर्सेस को, 160। The sum of your word is truth. परमेश्वर के वचन का जो टोटल वो है, यानी टोटल सम है, यानी टोटल क्या बोलेंगे, इसका जोड़ जो है, पूरे वचन का निचोड़ वो सत्य है। अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको सत्य नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब उसका ऑपोजिट मिल रहा है। अगर आप अडल्ट्रेटेड वर्ड आपको मिल रहा है तो आपको फॉल्स मिल रहा है। ट्रुथ का उल्टा क्या हुआ? तो आप फॉल्सहुड में फंस जाएंगे।
त्रुटि में चले गए, आप झूठे विश्वास में चले गए, झूठी बातों में फंस गए, आप कल्पना में हैं, आप सत्य को नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से जानते हैं और सत्य को ग्रहण करते हैं, सत्य को मानते हैं, आपको उद्धार मिलेगा, अनंत जीवन भी मिलेगा। लेकिन ये कंडीशनल है। अब इसको इसको 11th वर्स पढ़ दो। Your word I have laid up. Your word I have laid up in my heart. That I might not sin. Against you. आप परमेश्वर के विरुद्ध में जाने अनजाने जो पाप करते हैं या जो गलतियां करते हैं, अज्ञानता की काम करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से वाकिफ नहीं है। The only reason is this. और जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण हो जाते हैं, पूरा वाकिफ हो जाते हैं, आपका खुद ही मन नहीं करेगा, नहीं ये गलत है, नहीं करूंगा। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसका 6 पद, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 6। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। जितने लोग परमेश्वर के वचन में मिलावट करने का काम करते हैं, मिलावटी वचन लोगों को बता रहे हैं, ये सजा के हकदार हैं और इनके लिए पहले से नियुक्त है कि इन पर परमेश्वर अपनी तरीके से इन पर दंड लाएगा। क्योंकि लिखा है कि मेरे वचन में कुछ मत मिलाना, ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और अंत में तू झूठा ठहरे। और आपको मालूम है, आपको पढ़ने बड़ा हल्का लग रहा होगा कि अरे ज्यादा झूठे ही तो ठहरेंगे, लेकिन आप नए नियम में जाके देखिए, लिखा है कि झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है, दूसरी मृत्यु। प्रकाशित वाक्य में जाके देखिए झूठे कहां होंगे। परमेश्वर ने पहले से बार बार वार्निंग दी, समय समय पर वो चेताता चला आ रहा है। लेकिन परमेश्वर बहुत धीरज रखने वाला परमेश्वर, शायद मन बदल जाए, शायद ये गलत छोड़ दे, शायद इस गलती को छोड़ दे। अज्ञानता का समय अब खत्म हो गया, ये ज्ञान का युग है। आज एक क्लिक पर लोग दुनिया की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये युग आ गया। आपकी भावनाओं और आपकी इच्छाओं की अब कोई वैल्यू नहीं है, आप परमेश्वर के शुद्ध वचन की वैल्यू है। अगर आप शुद्ध वचन आपके जीवन में होगा और आप पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे होंगे, तभी आप परमेश्वर की सेवकाई में खड़े रह पाएंगे, वरना सब झूठे जो हैं वो धराशायी होते जाएंगे। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय उसका 16 पद, दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय उसका 16 पद। जी दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने। ये परमेश्वर का वचन काहे के लिए रचा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, यानी परमेश्वर कौन है? आत्मा है। तो ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से भरा हुआ है ये वचन, और ये उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। लेकिन यहां पर यह नहीं लिखा है कि यह धर्म, ये एक नया धर्म खड़ा करेगा। ये धर्म वर्ड हिंदी में जो आया है ना, इसलिए हिंदी बेल्ट में लोगों ने इसको धर्म की शिक्षा से यानी डिफाइन करना शुरू कर दिया। लोग धर्म दिखाने लगे कि तू आप प्रार्थना करो और ये करो और ये जितना भी आजकल चल रहा है, ये सब करके वो अपने आप को धार्मिक घोषित करना मांग रहे हैं। जबकि यहाँ पे धर्म वर्ड का मतलब ये नहीं है। धर्म की परिभाषा यहाँ पर क्या है, अगर आप डिक्शनरी लेकर बैठे और इंग्लिश बाइबल को भी साथ में रखें और जाकर इंग्लिश बाइबल में देखें कि वहां कौन सा वर्ड यूज है और उसको डिक्शनरी में जाके देखें, तो आपको पूरी पोल खुल जाएगी कि वहां पर क्या लिखा है। मेरे साथ निकाल लीजिए इंग्लिश में भी, 2 Timothy 3:16। Every scripture का मतलब यहाँ verses से है, यहाँ इसमें जितनी भी आयतें लिखी हुई हैं, every scripture is God breathed, यानी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, given by His inspiration, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ये दिया गया है, and profitable, लाभदायक है ये, profitable for instruction। सबसे पहले वर्ड आया instruction, instruction का मतलब ये लोगों को instruct करना, यानी उनको guide करना,
इंस्ट्रक्ट करने का मतलब गाइड करने, गाइडेंस से जुड़ा हुआ वर्ड है। और फॉर रीप्रूफ, फॉर रीप्रूफ, रीप्रूफ का मतलब होता है डांटना, करेक्शन करवाना, तो ये करेक्शन कराता है। परमेश्वर का वचन इंस्ट्रक्शन के लिए है, करेक्शन के लिए है, एंड कन्विक्शन ऑफ सिन, एंड कन्विक्शन ऑफ पाप को पहचानने के लिए, ताकि मनुष्य अपने आप को देखे कि वो कितना पापी है, कन्विक्शन ऑफ सिन, ताकि उसके अंदर पाप के प्रति जागरूक हो कि हम पापी हैं। कन्विक्शन ऑफ सिन का मतलब ये होता है जी। फॉर करेक्शन ऑफ एरर, फॉर करेक्शन ऑफ एरर, यानी त्रुटि से अपने आप को सही करने के लिए, कहां कौन सी गलती होगी, मात्रा की गलती होती तब त्रुटि कहलाती है, उसमें भाषा पूरी लिखी होगी, मात्रा गलत हो गई वो त्रुटि हो गई, और एक मात्रा की त्रुटि से पूरा मायने बदल जाता है। एक छोटी सी गलती आपको खुदा से जुदा कर सकती है। नुक्ते का ही तो फर्क है, उर्दू में नुक्ते का फर्क है, खुदा और जुदा में केवल एक नुक्ता लगता है। मात्रा की ये गलती है वो आपको खुदा से जुदा कर सकती है, इसलिए एरर से बहुत आपको बचना है। एरर बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, करेक्शन ऑफ एरर्स एंड डिसिप्लिन इन ओबीडियंस, एंड डिसिप्लिन इन ओबीडियंस, यानी आज्ञा मानने के लिए आपको अनुशासित करेगा जी। एंड फॉर ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, एंड फॉर ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, राइचियसनेस का मतलब होता धार्मिकता, या तो मनुष्यों की धार्मिकता जो धरती पर है, जो मनुष्यों ने खुद बना ली है, या परमेश्वर की धार्मिकता जो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको दी गई है। परमेश्वर की धार्मिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम शुरू कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता तो गिवन बाय गॉड है, परमेश्वर के द्वारा दी जाती है, और वो पवित्र आत्मा के रूप में हमें दी जाती है। पवित्र आत्मा हमें उस धार्मिकता में इंस्ट्रक्ट करता है, हमको चलना सिखाता है जी। ये है धर्म का मतलब वहां पे हिंदी में, जहां धर्म लिखा हुआ है जी। इन होली लिविंग, इन होली लिविंग, इन कंफॉर्मिटी टू गॉड्स विल, इन कंफॉर्मिटी टू गॉड्स विल, इन थॉट, पर्पस एंड एक्शन, एंड एक्शन। ये परमेश्वर का वचन इन तीन क्षेत्रों में हमारे जीवन में सिद्ध होगा, इन थॉट, इन पर्पस एंड इन एक्शन। ये परमेश्वर का हमारे विचारों को शुद्ध करेगा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन हमारे उद्देश्य को बदलेगा जीवन के, और परमेश्वर का वचन हमें पवित्रता में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। ये है असली परमेश्वर के वचन का काम। क्या परमेश्वर का वचन लोग सुन रहे हैं? अगर इतने सालों से परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, उनकी जिंदगी किस बात की गवाही दे रही है, हम देख सकते हैं, और देखकर हम बोल सकते हैं कि ये गलत है, फॉल्सहुड था। इसलिए जिस पर्पस से उसने ये सब कुछ किया, वो पर्पस अभी वहीं का वहीं रुका। पहली सदी की कलीसिया के बाद आगे काम पड़ा ही नहीं, फॉल्सहुड आ गया बीच में। एक पद और मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों, उसका 2 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों, पौलुस के ऊपर आते हैं। पौलुस ने इस विषय पर सबसे ज्यादा काम किया, पौलुस ने इसी विषय पर को लेकर, पवित्र आत्मा उसके जीवन में एक्टिव था, और पवित्र आत्मा ने उसको इसी प्रकार की सेवकाई के लिए खड़ा किया था जी। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, क्योंकि पौलुस यहाँ पर कलीसिया को चिट्ठी लिख के बताना, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से, परंतु मन की सच्चाई से, और परमेश्वर की से, और परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। पौलुस भी तो प्रचार करता था। पौलुस किस परमेश्वर का प्रचार करता था? पौलुस किस यीशु मसीह का प्रचार करता था? जी उठे मसीह का प्रचार करता था। कैसे करता था? वो परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करता था। मालूम क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके जीवन पे काबू किए हुए था, वो पवित्र आत्मा के वश में था, इसलिए उसकी अपनी स्वयं मानव इच्छा, उसकी अपनी मानव विचार और उसके अपनी मानव भावनाएं वो वचन के साथ मिक्स नहीं होती थी। वो अपने, उसका माइंड बिल्कुल खत्म हो गया था। वो प्रीच इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो स्टडी करता था, वो प्रीच इसलिए करता था, उसकी प्रीचिंग से ही तो स्टडी करते हैं लोग। वो बातें बोलता था जिससे लोग स्टडी करें, कि ये स्टडी का विषय है जिन बातों को वो बोलता था। अब इसी को 4 अध्याय में आ जाइए, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 1 और 2 पद पढ़िए।
दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। इस सेवा में हियाव की जरूरत है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको सत्य बोलना है, और अगर आप सच बोलेंगे, हम आपको इसका रिवर्स एक्शन बता दें, जब आप सत्य बोलेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे। सच कैसा होता है? कड़वा होता है। कोई आपको सुनना पसंद नहीं करेगा, कोई आपके नजदीक आ रही यार ये तो वही बोलेगा, जली कटी बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और ये सत्य हार्ड भी होता है। ये आपको मजबूर करेगा कि आप अपने अंदर झांको, आप पापी हो। ये आपको मजबूर करेगा कि अपने अपने किसी चीज से अपने पापों को ढकने की कोशिश मत करो, क्योंकि परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता। और ये परमेश्वर का वचन आपको सब कुछ रिवील करेगा, और जो व्यक्ति परमेश्वर की सत्य की आत्मा से परिपूर्ण होकर इस वचन को लेकर खड़ा होगा, वो कड़वा भी बोलेगा, हार्ड भी बोलेगा। सुनने वालों के हृदय छिदने चाहिए। और अगर पवित्र आत्मा के द्वारा कोई व्यक्ति बोलता है तो ये प्रमाण है कि सुनने वालों के हृदय छिद जाते हैं। पेंतेकुस्त के दिन भी यही हुआ था, जब पतरस ने खड़े होकर बोला था, पवित्र आत्मा की सिखाई से बोला था, तो वहां पे लिखा हुआ है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए। तालियां नहीं बजी थी, उसके प्रचार में ताली नहीं बजती थी, उसके प्रचार में लोगों के दिल छिद जाते थे। ये वाला प्रचार कहां है? आगे पढ़िए। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को पौलुस कह रहा है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पौलुस का सुसमाचार, आपको हम अब हम लोग स्टडी में देखेंगे कि कितने सुसमाचार है और कौन सा सुसमाचार सही है। परंतु हमारे सुसमाचार पर ये ट्रू गॉस्पल का ये इफेक्ट है कि ट्रू गॉस्पल आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि इसमें लुभाने वाली कोई बात नहीं थी। इसमें ऐसा कड़वा सच था जो लोगों ने एक्सेप्ट करना पसंद नहीं किया। आज तक यही है। ट्रू गॉस्पल अगर किसी को दे दीजिए, वो व्यक्ति भाग जाएगा घर। मैं लिख के दे रहा हूं। आप किसी को कहिए चंगाई मिलेगी, आ जाएगा। तुमको नौकरी मिल जाएगी, आ जाएगा। ये फॉल्स गॉस्पल है। लेकिन अगर आप किसी से कहिए कि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को बलिदान किया है, तुम्हारे पापों के लिए वो मर गया है, और तुम पापों में जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हो, अपना जीवन उसको दो जिसने तुम्हारे लिए प्राण दिया, तुम उसके खरीदे हुए हो, और उसके अनुसार जीवन जियो, देखे कोई नहीं आएगा। यह है ट्रू गॉस्पल। जी आगे पढ़िए। यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वो नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। यानी इसका मतलब जो ट्रू गॉस्पल है उसके अलावा किसी और गॉस्पल में कोई व्यक्ति फंस गया तो उसको वो नष्ट हो गया। जी और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो, पहले पढ़ो 2 अध्याय का 17 पर, 2 Corinthians 2:17 इन इंग्लिश। For we are not like so many, like hucksters, making a trade off, trade word आया, व्यापार बनाते हैं। परमेश्वर की सेवकाई को व्यापार बना दिया उन्होंने, प्रचार को व्यापार बना दिया, परमेश्वर के वचन का व्यापार कर रहे हैं। Making a trade off, peddling God's word, short changing, थोड़ी सी इधर उधर करके चेंज करके, and adulterating, उसको adulterate कर दिया, उसमें मिलावट कर दी। जी, the divine message, but like men of sincerity, and the purest motive,
as commissioned and sent by God. As commissioned and sent by God. परमेश्वर का सच्चा सेवक कौन है मालूम है? जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया हो, नियुक्त किया गया हो और भेजा गया हो. जी. We speak His message. We speak His message. In Christ the Messiah. In Christ the Messiah. In the very sight and presence of God. In the very sight and the presence of God. जो सच्चे सेवक होते हैं ना, वो अपनी ओर से कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पहले से ये दर्ज है कि पूर्व काल में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से उनसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की. तो जहां से जीसस क्राइस्ट आ गया वहां से कोई प्रीचर नहीं और कोई आत्मा नहीं, केवल एक ही आत्मा है जो सच्ची है और एक ही सच्चा प्रभु है, उसी की वाणी लोगों तक पहुंचनी है. अब बताइए, जब तक उसकी ओर से भेजा नहीं गया होगा तो कैसे उसकी बातें सुना सकता है. थैंक यू जीसस. आपको थोड़ा सा भी खुलासा हुआ, अभी थोड़ी आंख खुली है, एक पद और पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा. इसी का 10 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 पद. दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में. सो पौलुस यहां पे कह रहा, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके आज्ञाकारी बना देते हैं. हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं. इंग्लिश में पढ़िए. In as much as we refute arguments and theories and reasonings and every proud and lofty things that sets itself against the true knowledge of God and we lead every thought and purpose away captive into the obedience of Christ the Messiah, the anointed one. आपको पता चला ना, इसमें will भी आ गया, thought भी आ गया और emotion भी आ गया. इन तीन चीजों को जो मनुष्य की खुद की है, इन्हें परमेश्वर की उसको मसीह में कैद करके परमेश्वर के वचन के द्वारा इन्हीं को तो हमें कुर्बान करना है. इसीलिए पौलुस ने कहा, अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है. ये वाला पोर्शन हमारा बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए. हम यही पोर्शन परमेश्वर के वचन में मिलावट करता है. जब हम कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा नहीं पाया है, कोई व्यक्ति मसीह में नहीं है, वो प्रचार तो कर सकता है लेकिन उसके प्रचार से बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उसके प्रचार में सत्यता नहीं होगी, उसके प्रचार में शुद्धता हो ही नहीं सकती. बिना पवित्र आत्मा के हमारे मुंह से कोई शुद्ध बात नहीं निकल सकती. परमेश्वर का वचन तो प्योर है, शुद्ध है और परफेक्ट है, ट्राइड एंड टेस्टेड है. और इस चीज को जब तक वो हमारे जीवन में कंप्लीट नहीं होता, हम सिद्ध नहीं होंगे, तब तक इन बातों को हम दूसरों को बता नहीं सकते. थैंक यू. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद. लास्ट में एक वर्स पढ़ लीजिए, इस ऐसा करने का परिणाम क्या होगा. कल हम इसके दूसरे पार्ट में चलेंगे. लास्ट में एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य और उसका 22 अध्याय का 18 और 19 पद पढ़ दीजिए. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 18 और 19, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में. मैं हर एक को जो इस पुस्तक में भविष्यवाणी की बातें सुनाता है, जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है. अब सुनाने वाले को तो सजा है, सुनने वालों को भी सजा है. सुनता है, गवाही देता हूं यदि कोई मनुष्य इन बातों से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में
इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ये वार्निंग है आखिरी किताब में और इसका आखिरी अध्याय। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत हैं और आपके काम अद्भुत हैं और आपका वचन सत्य है। चाहते प्रभु ये सत्य हमारे जीवन को भी नया करता है, हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, और जब हम सत्य की आत्मा से परिपूर्ण होकर ये सत्य दूसरों को सुनाते हैं तो उनके जीवन में भी परिवर्तन होता है और उनका जीवन भी आपकी महिमा का कारण बनता है। हे पिता परमेश्वर, जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमको सिद्ध ना बनाए और हमको इस योग्य ना करे, बिना उसके हम इन बातों को दूसरों को, अपने आप को नहीं हम फॉलो कर सकते तो दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं। चाहते पिता परमेश्वर आपका पवित्र वचन लोगों के जीवन में कार्य करे और इसकी सच्चाई और इसकी सच्चाई के साथ लोग सीरियस हों और सीरियसली परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाएं और देखें कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है और हमारे लिए ये बातें कैसे हमारे जीवन में पूर्ण हो सकती हैं, ताकि लोगों का जीवन परिवर्तित हो और परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।